इंदौर शहर में जो भी एक बार आता है वो इस शहर का मुरीद हो जाता है। पूरी दुनिया में मशहूर इस शहर की खूबसूरती के दीवाने लाखों लोग हैं और इसके दीवाने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। इस बार इंदौर की तारीफ अमेरिका से आई एक टूरिस्ट रेने लीन ने की है। उन्होंने इंदौर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अमेरिका के कई शहरों से बेहतर बताया है। यहाँ के रंग पंचमी और पुलिस व्यवस्था की तारीफ करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र को थैंक यू लेटर भी लिखा। रेने लीन ने कहा कि अमेरिका के कई शहरों की सुरक्षा की तुलना में इंदौर पुलिस की सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। हम अमेरिका में रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इंदौर में सराफा बाजार और कई मार्केट में देर रात घूमती रही। यहाँ मैंने खुद को काफी सुरक्षित महसूस किया। The Rang Panchmi festival was amazing. Everybody was so happy and cheerful. And this is my first visit to Indore, and I was really, really impressed. It's so clean and it's very, very safe. I could walk around day, night, no problems. Indore has the friendliest people and the best hospitality. It's one of the best cities I've ever been to in India. They're really doing a fabulous job. It's just remarkable. Renee Lynn. Do you feel like Indore is safer than New York? Oh, absolutely. Indore is much safer than a lot of the cities back in America, like New York, Newark, New Jersey, Camden, New Jersey, San Francisco. There's so many cities in America that are dangerous and unsafe for women, but here in Indore, they could set an example for America about how clean and how safe Indore is. दरअसल अमेरिका के न्यू जर्सी की रहने वाली रेने लीन कुछ दिनों से इंदौर में रह रही थी। इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में सुनकर यहाँ आई थी और वो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर रुकी थी। उन्होंने रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही खुशी से मनाया। वहीं पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा कि रेने लीन ने इंदौर पुलिस को धन्यवाद और बधाई दी है। बधाई देने के लिए वो खुद यहाँ तक चलकर आई। उन्होंने कहा कि इंदौर के कई मार्केट उन्हें बहुत अच्छे लगे और उन्होंने जमकर उसकी तारीफ भी की। एक अमेरिकी नागरिक जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो न्यू जर्सी की रहने वाली हैं, अभी आई थी। आने के साथ ही उन्होंने इंदौर में ऐसा महसूस किया, पिछले जब 2-3 दिनों से रहने के बाद उन्होंने पाया कि वो काफ़ी एक साफ सुथरा शहर है और साथ ही साथ काफ़ी सुरक्षित शहर है। सुरक्षा के बारे में महसूस किया कि महिलाएं यहाँ पे, उन्होंने कई की दिन रात में घूमा, कई जगहों पे गईं और उन्हें अत्यंत सुरक्षित लगा। लेकिन अच्छी बातें थी कि इस बात को उन्होंने शेयर करने का भी सोचा, इस बात को उन्होंने साझा करने को भी सोचा। समानता, जब हम किसी शहर में जाते हैं तो उसके अच्छी बातों को तो लेकर चले आते हैं साथ में, लेकिन कई बार जब वहाँ से कुछ नाराजगी होती है तो उसको तुरंत हम अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ऑफिस ढूंढते हुए यहाँ पर आईं और उन्होंने एक पत्र के साथ में, अपनी बातों के साथ में जो फ़ायदा आप लोगों से उन्होंने साझा किया, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंदौर बेहद सुरक्षित शहर है, खासतौर पर महिलाओं के लिए बेहद सुरक्षित है। और इन्होंने एक बात कही जो मुझे उल्लेख करना चाहूँगा कि ये न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जाती हैं तो वहाँ पर गन कल्चर है, वहाँ सुरक्षा लगती है और यहाँ पर वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और यहाँ उन्होंने घूमा और लगातार घूम करके देखा और यहाँ अनुभव के आधार पर कह रही हैं, तो यह एक बड़ी स्वीकृति है। और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को न सिर्फ महसूस किया, वो शायद इसको ऐसा अनुभव लेके चली आती तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने इसको साझा भी किया हम सबके साथ में। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका के पुलिस को इंदौर पुलिस से कई चीजें सीखने को भी कहेंगे। न्यूयॉर्क और अमेरिका के अन्य शहरों में ड्रग और गन कल्चर को लेकर उन्होंने कहा कि ड्रग और गन कल्चर के कारण अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण महिलाएं सेफ फील नहीं करती हैं। और साथ ही ये भी बताया कि इंदौर सुरक्षा और स्वच्छता में न्यूयॉर्क से कई गुना ज्यादा बेहतर है। Thank you.